सो वेलकम टू डे नंबर टू। आज हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की ताकत क्या होती है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। कल हम लोगों ने जाना कि कॉन्शियस माइंड जो भी चीजें उसको सही लगती है वो सारी चीजें वो एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करने के बाद में वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है, मान लीजिए कि आपके हाथ में जो फोन है उस फोन से आप जब कभी भी तस्वीर निकाल लेते हो तो वो तस्वीर आपके हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाती है, आपकी स्टोरेज में जाकर सेव हो जाती है। जब भी आपको कभी उस चीज की रिक्वायरमेंट है आप उस स्टोरेज में चले जाते हो और अपनी फोटोज को अपनी गैलरी में से आप व्यू कर लेते हो। तो यही इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। जो भी कॉन्शियस माइंड ने सारी चीजें पकड़ के रखी है वो सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड अपने पास स्टोर करके रखता है। मान लीजिए अगर बचपन में आपकी जो भी क्लास टीचर थी जो आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट थी, अगर मैं उनका नाम पूछूं कमेंट में जरूर बताइएगा तो आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। आपकी स्कूल कौन सी थी ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये सारी जो मेमोरीज है ये मेमोरी स्टोर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। तो स्टोरेज करने का जो काम है वो काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जानेंगे कल के दिन कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस क्या है, और उस डिफरेंस को जानते हुए हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनको हम ग्रैब कैसे करें। सो मिलते हैं डे नंबर 3 में।